हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ का प्रोजेक्ट नंबर 8 है, जिसमें हम लोग इस प्रकार का डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो ये डिजाइनिंग को कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको रेक्टेंगल टूल लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके ऐसे आप एक रेक्टेंगल खींच लो, ठीक है। उसके बाद आप इसे क्या करो ना, आप कंट्रोल बटन के साथ इसे जूम करो, राइट। अब इसके बाद आप ले लो पिक टूल लेने के बाद आपको एक बार इस पर क्लिक कर देनी होगी, ठीक है। दो बार क्लिक करना, उसके बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करना, राइट। इसके बाद आप सेव टूल पे क्लिक कर देना। इसके बाद सेव टूल पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे ड्रैग करना है पूरे सेव पे, ये पूरे सेव को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसको कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर देना, ठीक है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार बाहर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है एक बार, और इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे यानी कि रोटेट और एस्केप नॉट, यानी कि एस्केप नॉट पे क्लिक करना है, यानी रोटेट और एस्केप नॉट पे क्लिक करना है, एस्केप नॉट पे, स्काई नॉट, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके ऐसे आपको रोटेट करना है, देख सकते हो, ऐसे आपको रोटेट करना है और उसी पॉइंट पे छोड़ना है एकदम इक्वली, एकदम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, और लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिएगा। ये आपका ऐसा स्टेप बनेगा। इसके बाद आप पिक टूल को ले लीजिएगा और इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और इसे हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं पिक टूल से और इधर ला लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें अब फिल करना है, यानी कलर को फिल करना है। इंटरेक्टिव फिल टूल से कलर को फिल करो। तो आप पहले ऐसे ड्रैग कर लो, और ये दो कलर है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों में हम लोग कलर को फिल करेंगे। तो इसके कलर को फिल करने से पहले आप यहाँ पे ले लो एलिप्स फाउंटेन फिल, ठीक है। फाउंटेन फिल को ले लो, यहाँ पे एलिप्स फाउंटेन फिल पे क्लिक करो। इसके बाद आप क्या करो कि इसे थोड़ा सा मूव करके इधर की तरफ ला लो, ओके। और इसे अपने अकॉर्डिंगली बड़ा छोटा आप कर सकते हो, या जैसा मन आपको वैसा आप कर सकते हो। मैं राउंड ही रखता हूँ और इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, या ये इसे हम लोग सेंट्रलाइज पर रखेंगे और इसे हम लोग थोड़ा इंक्रीज करेंगे, इसे भी और साथ ही साथ इसे भी थोड़ा मिला के एडजस्ट कीजिएगा, गड़बड़ ना हो जाए। आप इसे सिर्फ एडजस्ट करो, ऑटोमेटिक ये इक्वल ही आएगा, देखो, राइट। इतना करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दो कलर है, एक वाइट और एक ब्लैक। तो पहले वाइट वाले पे सेलेक्ट करो और वाइट वाले पे कोई एक कलर दे दो। आप चाहो तो जो हमने कलर दिया इसको आप फिलअप कर सकते हो यहाँ से। ये देखो, ये आपका वाइट वाला फर्स्ट पे सेलेक्ट होगा, फर्स्ट पे लगेगा, आपकी मर्जी। अगर ये आप चाहो तो आप दूसरे वाले पे लगा सकते हो। जैसे अब मान के चलो मैं चाहता हूँ ये वाला कलर यहाँ पे लगे, थोड़ा सा लाइटनेस कम होनी चाहिए, चलो। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, बाहर क्लिक कर लूँगा, और इस पर थोड़ा सा डार्कनेस भी चाहिए मेरे को। और ये ब्लैक वाले को मैं चेंज करके मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा, और ये थोड़ा डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा मैं इसका रखूँगा। यानी कि जो कलर आपको अप्लाई करना हो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। सेम कलर तो अप्लाई नहीं हुआ, बट आप कर सकते हो, थोड़ा ट्राई करना। कलर एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है, कलर आपको खुद से एडजस्ट करनी पड़ेगी। आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस देते हैं थोड़ा कम, चलो ये चलेगा। इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से पिक टूल लेनी है, और इसका जो आउटलाइन ब्लैक कलर का है इसको नन करना है। तो राइट क्लिक करके आप नन कर दो, ओके, परफेक्ट, ऐसा शेप बन जाएगा। अब इसके बाद ऐसे आप ड्रैग करो इसे, देन इसके बाद आप इसे कंट्रोल बटन के साथ इधर की तरफ मूव करो और राइट क्लिक कर दो इंस्टेंटली, जल्दी ही, जैसे लेफ्ट क्लिक करते ही राइट क्लिक कर देना है। फिर ऐसे सेलेक्ट करना है, फिर से आपको लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है ऐसे, और लेफ्ट क्लिक होल्ड किए हुए राइट क्लिक को कर देना है, तो जाके उसका कॉपी डुप्लीकेट बनेगा, देख सकते हो, ऐसा शेप बना। अब इसके बाद आपको इसको करना क्या है कि इसको अब
यहाँ से आप सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ से ऐसे एक मिनट, ये जस्ट वेट, ये पूरे सेव को सेलेक्ट करनी होती है, ऐसे सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद आप क्या करो, इस पे एक बार और क्लिक करो, सॉरी, ये पूरे सेव को सेलेक्ट करो फिर से, और ये ऐसा जंक्शन बार बनेगा, तो ऐसे एक बार और क्लिक कर लो और इसे कंट्रोल बटन के साथ इसे रोटेट करो। और यहाँ पे रोटेट करके लेफ्ट क्लिक को होल्ड किए हुए राइट क्लिक कर दो, तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। आप देख सकते हो ये शेप बन चुका है, देख सकते हो, राइट। तो ऐसे इस डिजाइन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हुआ, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।